सिराधु कौसाम्बी के टिटिरहिया गांव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि राजेश कुमार पटेल बुलबुल अपना दल प्रदेश सचिव रहे। आए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चल करके अपना दल एस के बैनर तले बिहार में जन्मे जननायक कहलाए गए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका आज जयंती समारोह है। अपना दल एस के द्वारा मेरा भ्रमण कार्यक्रम आज पहली बार शुरुआत है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह पर मेरा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। इसके लिए मैं अपना दल एस की तरफ से और कौसाम्बी जनपद की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि कामता पटेल, रमेश पटेल जैसे लोगों के द्वारा आज 24 तारीख को आगाज हुआ यह कार्यक्रम। तो साथियों, आइए सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर हम कुछ चर्चाएं डालें, उसके बाद मैं अपना दल बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। शायद यहाँ बैठे सभी लोग यह समझते हैं कि आखिर ये कर्पूरी जी हैं कौन। कर्पूरी ठाकुर जी को कितने लोग जानते हैं, जरा हाथ उठाएंगे। इतिहास है मालूम, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का इतिहास मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि साथियों, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति थे और आपका व्यक्तित्व जन्म नाई समाज जो दाढ़ी बाल बनाने वाले में होते हैं, उस समाज में आपका जन्म हुआ। बहुत ही गरीब परिवार से जन्मे और इन्होंने बहुत ही संघर्ष करते हुए आज जननायक के रूप में माने जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि अभी तक हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं जान पाए। यह कमेरा समाज का या गरीब समाज का, बैकवर्ड एससी समाज का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे बहन अनुप्रिया पटेल जी, आज उनके जयंती को पूरे देश में मनाने का काम कर रही हैं। इसके लिए मैं बहन अनुप्रिया पटेल जी का भूर भूर प्रशंसा करता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से थे, इसलिए उनके इतिहास को दबाया गया। लेकिन आज यह बहन अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, गांव-गांव गली-गली में कर्पूरी ठाकुर जी तक को बताने का काम कर रही हैं, इसके लिए मैं बहुत बड़ा गौरवान्वित और गर्व का विषय भी है। तो आइए कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम यहाँ थोड़े से प्रकाश में बताना चाहेंगे कि बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे, संघर्ष किए और संघर्ष में करते करते दूसरी बार मुख्यमंत्री बिहार में बने, यानी बिहार राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री आप बने, दूसरे उप मुख्यमंत्री, और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दो बार मुख्यमंत्री भी बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। साथियों, बैकवर्डों की पीड़ा को उन्होंने जाना और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, पूरे देश के राज्यों में बिहार प्रांत एक ऐसा प्रांत जहां की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 27% आरक्षण बैकवर्डों को यानी पिछड़ी जाति को देने का काम किया। यह बहुत बड़ा गर्व का विषय था। चूँकि ये कहावत है कि जाके नहीं फूटी बेवाई उका जाने पीर पर आई, आप चूँकि गरीब परिवार से थे, कमेरा समाज से थे, बैकवर्ड थे,
इसलिए उन्हें यह ज्ञात हुआ कि हकीकत में बैकवर्ड को 27% आरक्षण अगर लिखा गया है तो उनको उनका हक अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। और आज जो अपना दल इसके बैनर तले यह कार्यक्रम है, साथियों मैं चला हूँ आप सबको जोड़ने बताने कि आज ठीक आप सबके राह पर एसएसआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने अपना दल एक पार्टी बनाई, राजनैतिक पार्टी बनाई, कमेरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यह आवाज़ उठाया कि हम गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़कर उन्हें जब तक हक अधिकार नहीं दिला देते मैं निश्चित रूप में संघर्ष करता रहूँगा। और उस संघर्ष को आपने देखा होगा, यहाँ हमारे पुराने साथी हैं बाबा जी जैसे लोगों को तो मैं चिन्ह पहचान रहा हूँ कि आप पी डी टंडन पार्क में भी लाठी दो लाठी जरूर खाए होंगे, जैसा कि उस समय मैं खुद भी शामिल रहा हूँ और यह मुझे पूरी तरह से मालूम है। ऐसे चेहरों को, वो रमेश जी के चेहरे को